हाय बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू हॉक क्रिएशन। एमसी स्टैन की तरफ से एक बहुत खतरनाक अपडेट निकल कर आ रही है। एमसी स्टैन के जिगरी दोस्त द गोल्डन बॉयज, इन दोनों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने एमसी स्टैन के बारे में बोला है कि एमसी स्टैन के अंदर एटीट्यूड आ गया है और एमसी स्टैन के पास जो जनता का प्यार और इतनी सारी पब्लिक का सपोर्ट है वो हमेशा नहीं रहने वाला। और एमसी स्टैन तक ये मैसेज खास तौर से पहुंचाने के लिए भी कहा है। पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर इसके बाद एमसी स्टैन का रिप्लाई भी दिखाएंगे। दादा, अभी जैसे कि अब्दू और एमसी का फाइट हुआ था मांडोली में, वो बोला दोस्ती खत्म, मांडोली खत्म करता ना स्टैन, वैसी हरकते करता ना, नहीं करने मांगता ना स्टैन को थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया है, तो ऐसा नहीं चाहिए। वो मेरा खास है, पर उसको ये मैसेज आप जरूर देना। ओके, थोड़ा सा लोगों से प्यार करना भी जरूरी। सेम आज एक कल नहीं होगा, पर लोग हमेशा रहने वाले तेरे साथ, और जो तेरे साथ हमेशा है उनको मत भूल, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती लाइफ में बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, तो इसे समझाना समझे कि क्या समझे इसको, उसको बुरा लगेगा तो ये बात। बुरा लगने के लिए बोला है उन्हें, उसको बुरा नहीं लगेगा, वो बड़े भाई मानते हैं हमको। यस, बड़े भाई के नाते उसको समझेला सनी भाई ने, उसका नहीं प्रॉब्लम, उसको जो कंपनी मैनेज करती है ना उसको प्रॉब्लम है। अभी तुम चाहिए जो लाइफ में पहले जुड़े हैं ना लोग, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सही बात, ये रोज आएंगे तेरे पास नए लोग, पर ये खानदानी है, लाइफ टाइम रहने वाले। तो गोल्डन बॉयज ने ये भी बोला कि एमसी स्टैन के मैनेजर को प्रॉब्लम है, एमसी स्टैन के मैनेजर शायद सही नहीं है। अब देखते हैं कि हिंदुस्तानी भाव ये मैटर में क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव द गोल्डन बॉयज के भी जिगरी दोस्त हैं और एमसी स्टैन के तो खासम खास दोस्त हैं। अगर एमसी स्टैन के ऊपर कोई भी आंच आई तो हिंदुस्तानी भाव जरूर बोलेंगे। अब एमसी स्टैन ने ये सबके ऊपर इनडायरेक्टली रिप्लाई दिया है, हिप हॉप की भाषा में बोले तो सबलिमिनल शॉट्स दिए हैं। इसके बाद एमसी स्टैन ने एक स्टोरी लगाई जिसमें डिवाइन का ट्रैक अब्बा जान वाला सॉन्ग प्ले हो रहा था। देखाए तेरे अब्बा जान भूखे जैसे रामदान, ज्यादा काम ज्यादा दाम। फिर इसके बाद एक पोस्ट की जिसमें लिखा था कि इट्स नॉट कूल टू बी ए गैंगस्टर, गो स्टार्ट ए बिजनेस, मींस कि गैंगस्टर बनना अच्छा नहीं है, जाओ काम धंधा शुरू करो। ये शायद बजरंग दल पर शॉट्स है। फिर इसी को स्टोरी पर पोस्ट किया और लिखा कि व्हेन यू शो टू मच लव दे प्ले यू लाइक यू वीक, मतलब एमसी स्टैन बोल रहे कि जब मैं बहुत ज्यादा इन पर प्यार बांटने लगा तो ये लोग मुझे कमजोर समझने लगे। ये मे बी द गोल्डन बॉयज के ऊपर शॉट्स था। और इसी पोस्ट में एमसी स्टैन ने कुछ हिंट दी है जिसमें जी और डी लिखा है। जी और डी से क्या हो सकता है आप कमेंट्स में बताओ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।